हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तीसरे पार्ट में अब हम बात करने वाले हैं कम एंड गो एंड विद एग्जांपल्स आल्सो, राइट? सो लेट्स बिगिन अवर पार्ट नंबर 3। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि कम कब हमें कम का गो में चेंज करना है और कब हमें कम इनटू गो नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, ये हमने आगे ही तय कर लिया था कि कब हमें कम का गो करना है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने अप्लाई किए हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है वो। व्हेन द स्पीकर कॉल्स समवन टू हिज हर प्लेस, वी आर नॉट चेंजिंग कम इनटू गो। सबसे पहली बात ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर स्पीकर कौन है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम एक सेंटेंस देखने वाले हैं, तो उस एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि कब हमें कम का गो करना है और कब हमें कम का गो नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि व्हेन द स्पीकर कॉल समवन टू हिज हर प्लेस, जब स्पीकर किसी इंसान को खुद के प्लेस के ऊपर बुलाता है तब हमें कम का गो नहीं करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर एक सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई हैव यू कम एट माय ऑफिस। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, स्पीकर आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्पीकर कौन है यहां पर, द प्रिंसिपल। ये द प्रिंसिपल यहां पर क्या है, स्पीकर है, ठीक है? अब यहां पर हमें क्या बताया गया है, व्हेन द स्पीकर कॉल्स समवन टू हिज हर प्लेस। अब स्पीकर कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो उसके प्लेस के ऊपर जब हमें किसी इंसान को बुलाते हैं तब हम कम का गो नहीं करते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये इसका प्लेस है या किसी और का प्लेस है, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, वहां पर क्या बता रहे हैं कि व्हाई हैव यू कम एट माई ऑफिस। माई ऑफिस, माई कहने का मतलब क्या है, ऑफिस यहां पर किसकी है, प्रिंसिपल की ऑफिस है, ठीक है? तो प्रिंसिपल एक स्पीकर है, तो ये प्लेस भी किसका हुआ, स्पीकर का प्लेस हुआ। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आती है तब आपको याद रखना है कि आपको कम का कम रहने देना है, कम का गो करना नहीं है। तो यहां पर हम जब आंसर बना रहे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तब हम यहां पर देख रहे हैं द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। अब आपके अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में रूल्स, केवल यहां पर ब्रीफ में थोड़ा सा बता रहा हूं कि सेड टू का यहां पर क्या किया है, आस्क किया है। मी इट मींस द स्पीकर, जो प्रिंसिपल है वो मुझे ये बात बता रहा है। कनेक्टर के तौर पे हमने यहाँ पर वाई लगाया है, और यू इट मींस प्रिंसिपल मुझे बता रहा है, इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन चेंज करके मैंने आई कर दिया है। हैव का यहाँ पर हेड किया है। सबसे मेन बात जो यहाँ पर हमें देखनी है वो ये है, कम कम का हमने यहाँ पर केवल क्या रखा है, कम रखा है, गो किया नहीं है। अब हैव के साथ वी थ्री आता है, इसीलिए हमने हेड के साथ भी यहाँ पर क्या लगाया है, वी थ्री लगाया है। एट हीज ऑफिस, तो यहाँ पर माई का क्या चेंज हो गया है, हीज हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कम का यहाँ पर क्या रहा है, कम रहा है, हमने कम का गो किया नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कब हमें कम का गो करना है। व्हेन स्पीकर सेंड्स यू और समवन टू लिसनर्स प्लेस और एनी अदर प्लेस, वी आर चेंजिंग कम इनटू गो। अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि व्हेन स्पीकर, जब कोई स्पीकर लिसनर को लिसनर के प्लेस पे या फिर कोई और प्लेस पे भेजता है तब हम क्या करते हैं, कम का गो करता है। बहुत ही अच्छे से याद रख लेना फ्रेंड्स कि जब स्पीकर लिसनर को लिसनर के प्लेस पे या फिर कोई और प्लेस पे भेजता है तब हम क्या करते हैं, कम का गो करते हैं। इसका भी एग्जांपल हमने ले लिया है यहां पर, तो देख लीजिए, मिहिर सेड टू सुमित व्हाई हैव यू कम एट मीराज हाउस। अब यहां पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पीकर कौन है, तो स्पीकर यहां पर कौन है, मिहिर है। मिहिर यहां पर क्या है, स्पीकर है। लिसनर कौन है, सुमित है, तो ये लिसनर हो गया, ठीक है? अब हमारे पास स्पीकर भी है, लिसनर भी है। अब स्पीकर भी है और लिसनर भी है, तो यहां पर क्या रूल अप्लाई करना है कि व्हेन स्पीकर सेंड यू समवन, आपको या किसी और को, जब लिसनर के प्लेस पे या फिर कोई और प्लेस पे भेजता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, व्हाई हैव यू कम एट मीराज हाउस। अब मीरा का हाउस जो है वो ना ही लिसनर का हाउस है ना ही स्पीकर का हाउस है, यहां पर हमने क्या लिया है, वो को एक अलग प्लेस लिया है, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्या हमने चेंज किया है, मिहिर आस्क्ड सुमित
वाई। अब यहां पर ही क्यों आया है यू का, क्योंकि सुमित एक लड़का है इसलिए हमने यहां पर ही लिया है, हैव का हेड किया है। अब यहां पर कम का हमें क्या किया है, गो किया है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना कि यहां पर हमने कम का गो तो किया है लेकिन हैव के साथ यहां पर वी थ्री था। कम का वी थ्री क्या होता है, कम, ठीक है। वी वन कम होता है, वी टू केम होता है और वी थ्री क्या हो जाता है, वापस से कम हो जाता है। लेकिन गो में ऐसा नहीं है, गो में क्या होता है कि वी वन क्या होता है, गो होता है, वी टू क्या होता है, वेंट होता है और वी थ्री क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है। इसलिए हमने यहां पर केवल गो नहीं रखा है, हेड के साथ वी थ्री आता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, गॉन लिखा है। और यहां पर मीराज हाउस है, ठीक है। अब प्लेस कौन सी है, कोई अलग जगह है, ना ही लिसनर का प्लेस है ना ही स्पीकर का प्लेस है, किसी और जगह का प्लेस है। इसीलिए यहां पर हमने क्या किया है, मीरा का वही का वही रहने दिया। अगर आप मान लो ऐसी चीज कि यहां पर सुमित का हाउस होता तो सुमित भी एक लिसनर है और यहां पर हमें दिया है कि स्पीकर, जब हमें या किसी और को लिसनर के प्लेस पे या जो कोई और प्लेस है वहां पर भेजता है तब हम कम का गो करते हैं। तो यहां पर अगर सुमित का हाउस भी होता तो भी हम यहां पर कम का गो करते। तो आई होप सो कि आपको ये दोनों जो चेंजेस है वो बहुत अच्छे से याद रह गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी रूल्स को सीखा है, आप ऐसा बोलोगे कि सर रूल्स पे रूल्स सिखाते जा रहे हैं और कुछ एग्जांपल के तौर पे दिखा नहीं रहे, तो अभी हम कुछ एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। कुछ 8 सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसे हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पर सभी सेंटेंस मैंने बहुत ही ईजी लिए हैं, ठीक है। इतने ईजी सेंटेंसेस आपको कभी भी एग्जाम में आने वाले नहीं है, ये केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है कि आपको ईजीली समझ में आ जाए। आपको यहाँ पर वो मैं जितने चेंजेस कर रहा हूँ उतने ही चेंजेस के बारे में देखना है। अभी तक हमने सेंटेंस को डिटेल में नहीं समझा है, ठीक है। अभी केवल हमने जो चेंजेस सीखे हैं 1-5 चेंजेस जो सीखे हैं वहां पर, उसमें से हमने थोड़े बहुत से चेंजेस यहां पर अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, पार्थ सेड सी मेक्स टेस्टी गुलाब जामुन। भाई गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में तो पानी आने लगा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब घर पे बैठे हो, घर पे अच्छे से खा लेना, ठीक है। तो पार्थ यहां पर क्या बता रहा है कि सी मेक्स टेस्टी गुलाब जामुन, तो अब उसे हमें कन्वर्ट करना है। तो हम प्रैक्टिकली यहां पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो देख लेना कैसे होता है ये। अब पार्थ, अब यहां पर लिसनर नहीं है तो हम पार्थ सेड का सेड रहने देंगे। पार्थ सेड कनेक्टर लगाएंगे दैट, पार्थ सेड दैट। अब यहां पर सी की बात हुई है तो वही लगा देंगे सी। अब यहां पर अभी अभी हमने देखा है चेंज नंबर 3 में, ठीक है, चेंज नंबर 3 में हमने देखा था कि अगर हमें वी वन मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या चेंज करते हैं, वी टू चेंज करते हैं। तो पार्थ सेड दैट सी मेड, एस और यस लगता है फिर भी वो सेंटेंस, वो जो वर्ब होता है वो कैसा रहता है, वी वन रहता है। तो यहां पर मेन वर्ब है मेक, उसे एस और ईएस लगाकर यहां पर भी वी वन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो उसे वी वन का क्या हो चुका है, वी टू हो चुका है। पार्थ सेड दैट सी मेड टेस्टी गुलाब जामुन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं आगे, आई सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पर हमें चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, आई सेड दैट। अब स्पीकर भी आई है, लिसनर यहां पर कोई दिया नहीं है, यहां पर आई की ही बात हो रही है तो आई ही लेंगे, आई सेड दैट आई। एम तो पहला ही चेंज हमने टेंस में देखा था, एम इज का क्या होता है, वॉज होता है। तो आई सेड दैट आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, राइट। अगर आपको रूल अच्छे से पता रहेंगे फ्रेंड्स तो ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए चेंज करना। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, खुशी सेड सी वॉज कुकिंग फॉर एन आर। अब यहां पर एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपको बताया था कि वॉज के पीछे अगर वी फोर आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो रूल यहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, खुशी सेड, खुशी सेड दैट सी।
अब वॉज का, वॉज के पीछे वी फोर है, तो वॉज प्लस वी फोर का क्या हो जाता है, हैड बिन। तो खुशी से दैट सी हैड बिन, यहां पर वी थ्री आपको नहीं करना है, अगर वॉज के पीछे वी फोर है तो वी फोर ही रहने देना है। तो खुशी से दैट सी हैड बिन कुकिंग फॉर एन आर, ठीक है, बाकी जगह आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। आगे का सेंटेंस है ही सेड आरती विल कम टुमारो, तो यहां पर हम उसे चेंज करते हैं कैसे, तो ही सेड दैट, आरती की बात हो रही है तो आरती का ही नाम रखेंगे यहां पर आरती, विल का क्या हो जाता है, विल और सेल का वुड हो जाता है वुड। अब विल मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ वी वन आता है, तो वुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, वी वन आएगा, तो कम का कम रहने देंगे यहां पर। टुमोरो, टुमोरो का आपको पता है आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। तो ही सेड दैट आरती वुड कम, यहां पर हम करते हैं द नेक्स्ट डे। फ्रेंड्स अगर आपको यहां पर द फॉलोइंग डे करना है तो यहां पर आप द फॉलोइंग डे भी कर सकते हो। आगे का सेंटेंस देखते हैं, विकास सेड ही सॉ अ मूवी यस्टरडे, तो यहां पर लिसनर आप एक चीज ध्यान में रखना फ्रेंड्स, यहां पर मैं सेड का सेड रहने दे रहा हूं, क्यों रहने दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई लिसनर हमें दिया गया नहीं है, अगर लिसनर नहीं है तो हम सेड का सेड रखते हैं, और ये सारी चीजें हम आगे जब डिटेल में सेंटेंसेस को पढ़ने जाएंगे तब हम ये देखने वाले हैं। तो यहां पर हम देखते हैं विकास सेड दैट, अब विकास खुद के बारे में ही बात कर रहा है और किसी और के बारे में, लेकिन लड़का है तो यहां पर ही का ही रहेगा। अब सौ, अब सौ यहां पर वी टू के फॉर्म में है, ठीक है, सी सौ सिन, वी वन क्या होता है सी, वी टू क्या होता है सौ, और वी थ्री क्या होता है सिन। तो हमने देखा था टेंस के रूल में कि अगर वी टू है तो उसका क्या हो जाता है, वी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आगे क्या लगता है, हेड लगता है। तो यहां पर हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, विकास से दैट ही हेड सिन, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हेड सिन यहां पर किस तरीके से आया, क्योंकि ये सॉ वी टू था, ठीक है, ही हैड सीन अ मूवी, सेम जैसे हमने यहां पर टुमोरो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे लगाया था, उसी तरह यहां पर यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हम लगाएंगे। तो ही हैड सीन अ मूवी द प्रीवियस डे, क्लियर। आगे देखते हैं, मनोज सेड वी आर गोइंग टू बाय अवर न्यू हाउस, मनोज सेड दैट, फ्रेंड्स अब यहां पर देखना, मनोज ने कहा है वी, लेकिन हम यहां पर वी का क्या चेंज करेंगे, दे, राइट, मनोज सेड दैट दे वर, आर का क्या हो गया, दे वर गोइंग टू बाय अवर, मनोज ने अवर बताया तो हम उसके लिए क्या बताएंगे, देयर। अगर आप टेबल में प्रोनाउन वाला टेबल अच्छे से देखोगे तो आपको अवर के सामने क्या मिलेगा, देयर मिलेगा, न्यू हाउस, ठीक है, तो अच्छे से हो गया ये। आगे देखते हैं, प्रकाश सेड टू विनय, अब देखो यहां पर लिसनर आया है, प्रकाश स्पीकर है, विनय लिसनर है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ यू, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, प्रकाश, अब ये सेड टू है उसका क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, प्रकाश टोल्ड विनय, कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट, तो प्रकाश टोल्ड विनय दैट, अब प्रकाश विनय दोनों लड़के हैं तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, डोंट, डोंट अगर आप टेबल में देखोगे टेंस वाले तो डोंट का क्या हो जाएगा, डिडेंट हो जाएगा, तो प्रकाश टोल्ड विनय दैट ही डिडेंट, अब डोंट के साथ भी वी वन लगता है और डिड के साथ भी क्या लगता है, वी वन लगता है, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो यहां पर दैट ही डिडेंट वॉन्ट टू टॉक विथ, अब यू कौन है, लड़का ही है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, हिम, अगर प्रोनाउन वाले टेबल में आप अच्छे से देखोगे तो आपको यहां मिल जाएगा यू के सामने, मैंने बताया था आपको किस तरीके से याद रखना है, तो ये टॉक विथ हिम, यू मीन्स कौन था, यहां पर विनय था, तो विनय की जगह हमने क्या लगाया, हिम लगाया है। आगे देखते हैं, हर फादर सेड आई हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ व्हीकल, तो इसे हमें चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, हर फादर
said that, यहाँ listener नहीं है इसलिए मैंने said लिया है, connector that, her father said that, I haven't, her father है, I है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, he, haven't, haven't का क्या होता है, hadn't होता है, अब have के साथ V3, तो had के साथ भी V3, तो seen का seen रहेगा, she saw seen, this, this एक nearest word है, तो उसका क्या हो जाएगा, that, फिर सेंटेंस सेम का सेम रहेगा, टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल। अब इसी प्रकार के एग्जाम्पल के बाद हम अब धीरे धीरे करके वन बाय वन एक रूल देखेंगे, राइट। सबसे पहले देखेंगे असर्टिव, उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव, और उसके बाद सो ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके देखने वाले हैं, लेकिन यहां तक मुझे आई होप सो कि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो ये वही रूल्स थे जो अभी तक हमने सीखे थे, 1 to 5 नंबर के जितने भी चेंजेस थे वो चेंजेस ही यहां पर हमने अभी अप्लाई किए हैं, बाकी सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे देख रहे हैं फ्रेंड्स।